थैंक यू फॉर वॉचिंग आईलेट्स वाला इंडिया। मेरा नाम है मनप्रीत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और लेटेस्ट एग्जाम की हम लोग बात करते हैं 30 सितंबर एग्जाम की। तो ओनली वन डे, एक दिन लेफ्ट रह चुका है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट घबराने की बात नहीं है। अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, जो लेटेस्ट हमारे पास प्रेडिक्शन आफ्टर हमारे एक्सपीरियंस, तो हमेशा हमारी 100% रही है प्रेडिक्शन। आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो को उठाकर देख सकते हैं और बिल्कुल ट्रू रही है। बट जो इस बार हम प्रेडिक्शंस की बात करने वाले हैं, और लिसनिंग की बात करें, पैसेज वन जो आपको आएगा वो इजी आएगा, लिसनिंग का पैसेज टू वो भी आपका इजी रहेगा, बट जो पैसेज थ्री है वो मॉडरेट रहेगा। आपको कुछ ज़्यादा नहीं अपने फोकस करना है अपने लिसनिंग के ऊपर, कि जो मॉडरेट पार्ट है उसमें आप कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। एंड अगर हम लोग रीडिंग की बात करते हैं, तो रीडिंग का ऑलमोस्ट मॉडरेट रहने वाली है। तो आपको मॉडरेट यू नो दैट वेरी वेल कि ज़्यादा टफ नहीं है तो ज़्यादा इजी भी नहीं है। बट आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर रीडिंग के अंदर आ रही है, आपने कुछ भी पूछना है, तो आपके पास कुछ लेटेस्ट आवर्स हैं, कुछ टाइम बचा है आपके पास, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइटिंग टास्क वन की बात करें, राइटिंग टास्क वन 90.9 चांस है कि लाइन ग्राफ आएगा। उसकी लेटेस्ट वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, कल नाइट को मैंने अपलोड की थी, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 99% चांस है कि आपको लाइन ग्राफ आएगा। बट उसके अदरवाइज उसके बाद ही अगर हम बात करें, आपको फोकस करना है पाई चार्ट एंड बार चार्ट के ऊपर। लाइन ग्राफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था राइटिंग टास्क वन। अगर हम राइटिंग टास्क टू की बात करें, आपको रिलेटेड टू इन आर्ट्स एंड नो टॉपिक्स हैं, आपको रिलेटेड 100% आपको उससे रिलेटेड ही आपको टॉपिक आएगा। तो हम पहले टॉपिक की अगर बात करें, तो पहला टॉपिक है फैमिली एंड यंग पीपल, सेकंड इज क्राइम, थर्ड इज मीडिया, फोर्थ इज एजुकेशन, फिफ्थ इज हेल्थ, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म एंड फैशन। ये कुछ टॉपिक है आपको अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर करने के, कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, इनकी वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना है कि आप वोकैबुलरी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो 100% आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड फील दैट कि व्हेन आप यू गॉट 7+ बैंड्स इन आईएलएस एग्ज़ाम। हम लिसनिंग की बात करें, आपके पास लास्ट 10 मिनट्स हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन 10 मिनट्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आपका कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सर मेरे तो 5 बैंड रह गए, सर मेरे 5.5 रह गए। तो ब्रदर आपने क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक किए होंगे, तभी होगा। तो एक कीवर्ड, जैसे कि ब्लैंक्स आती हैं, एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले वर्ब बीच ऑब्जेक्ट बाद, बट जब वो बोलता है तब वो ऑब्जेक्ट पहले बोलता है, वर्ब बाद में, और सब्जेक्ट उसके बाद बोलता है। अगर आपने इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और रीडिंग के अंदर सेम, अगर आपको ब्लैंक्स आ रही हैं, तो अगर उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ए आर डब्ल्यू जैसे समथिंग कुछ भी लगा हुआ है, तो उसके रिलेटेड उसके 99% चांस है कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी उसी कीवर्ड के साथ ही होगा। एंड राइटिंग टास्क वन एंड टू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने स्टूडेंट्स को PDF चाहिए तो मुझे वो मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कल जब एग्ज़ाम हो जाएगा, साथ के साथ हम रीडिंग के आंसर, लिसनिंग के आंसर, राइटिंग टास्क वन और टू इस चैनल के ऊपर सबसे पहले अपलोड करेंगे। तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद अगर हम आपसे कुछ मांगते हैं, वो जस्ट कुछ नहीं, एक से सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टुमारो एग्ज़ाम।